हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाराष्ट्र की फेमस डिश पुरणपोली। शायद ही कोई ऐसा हो महाराष्ट्र में जिसे पुरणपोली पसंद ना हो। ये इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप चने की दाल को रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। अब उसी पानी में हम इसे उबाल लेंगे। यहाँ मैंने एक कप चने की दाल के लिए 5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मैंने 5 कप पानी इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसका जो पानी है ना, उसका हम अमटी बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसे ढक के हम स्लो गैस पे पकने के लिए रख देंगे। इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, और इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है मुझे, इसके लिए थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। इस दाल को हमें ज़्यादा मैश नहीं पकाना है, इतने कि ये खड़ी खड़ी रहे लेकिन पकी भी हो। यहाँ आप देख सकते हो कि दाल हमारी बराबर पक गई है, लेकिन ये मैशी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। चले तो इसका पानी निथार लेते हैं, लेकिन याद रहे इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, इसे हम कड़ी में यूज़ करेंगे। अब इस पानी को हम साइड में रख लेंगे और दाल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और मैशर की सहायता से इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हमें इसे इतना मैश करना है कि दाल का दाना दिखना नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। ये दाल इतनी अच्छे से बॉईल हो गई है कि इसे मुझे मैश करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कितने ईजीली मैं कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से ये एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, दाल का एक दाना भी नहीं है। चले तो बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस में एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये मैश की हुई दाल। 1-2 मिनट चलाने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़। अब यहाँ गुड़ की क्वांटिटी कितनी लेंगे, तो एक कप चने की दाल है, तो मैं यहाँ पे 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल करी हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़रा मीठा ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए मैं 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर को हम कंटिन्यूस चलाएंगे ताकि नीचे लगे नहीं। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है और ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है। हम इसे और पकाएंगे, इतना कि ये एकदम गाढ़ा होना चाहिए। ये मिश्रण तैयार है या नहीं, इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, ये लकड़ी का चम्मच है ना, इसे खड़ा करके देखेंगे। अब ये खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी तक रेडी नहीं है। इसे हम और चलाएंगे 10 मिनट। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि ये मिश्रण गाढ़ा हो चुका है, और अब इसमें ये चम्मच खड़ा करके देखेंगे। देखिए इस तरह ये खड़ा है, मतलब अपना मिश्रण रेडी है। इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर और सॉल्ट का पाउडर। दोनों मैंने मिक्स किया हुआ है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें सॉल्ट का पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सॉल्ट और इलायची के पाउडर का फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में आप देखोगे कि ये मिक्सचर एकदम सॉफ्ट बना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसे हाथ में लेके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि ये कितना स्मूथ बना है। मैं आपको इसका एक गोला बना के दिखा रही हूँ। देखिए इसमें एक भी दाना चने का आपको दिखेगा नहीं, एकदम सॉफ्ट है, जिसे कि हमें बेलने में आसानी होगी। इसे रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की। पूरणपोली के साथ में एक सिरप बनाया जाता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप पानी और 200 ग्राम गुड़। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेंगे और मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे कटाची अमटी। कट यानी कि जो दाल का पानी हमने बाजू में निकाल के रखा है ना, उसे कम कट कहते हैं, उसी की हम करी बनाएंगे, मतलब अमटी बनाएंगे। और इस अमटी में लगने वाला खास एक मसाला बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 प्याज को यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। इतना रोस्ट करना है कि ये पूरा काला हो जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तो हम इसके छिलके उतार के बाजू में रख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको पूरा छिलका नहीं निकालना है, क्योंकि इसका जो स्मोकी फ्लेवर है ना, वो इसमें आना चाहिए। छिलका उतारने के बाद में हम इसे कुछ सामग्री के साथ पीस लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हरा धनिया, कुछ हरी मिर्च, लहसुन और ये रोस्टेड प्याज। अब इस सारी चीज़ों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेती हूँ, जिसमें हम डालेंगे ज़ीरा और हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला। अगर आपके पास ये गरम मसाला नहीं है, तो आप इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, वो भी डाल सकते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छा महीन पीस लेंगे। चलते हैं तो आगे की प्रोसेस की तरफ। अब हम पूरन पूरी में लगने वाला एक आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो प्योर मैदे का भी बना सकते हैं या फिर प्योर गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। डाल लेंगे थोड़ा सा नमक और हम इसे गूंदेंगे हल्दी के पानी में। जी हाँ, हल्दी के पानी में, ताकि ये हल्दी का कलर अच्छी तरह पूरे आटे में लग जाए। नहीं तो क्या होता है, हम हल्दी पाउडर तो डाल देते हैं लेकिन फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे दिखने लगता है। इसके लिए मैं हल्दी का पानी से इसे अच्छी तरह से गूंद ले रही हूँ। हमें इस आटे को अच्छी तरह मलना है ताकि एकदम सॉफ्ट डो बने। यहाँ मुझे आटा गूंदे तकरीबन 12 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हो कि ये डो कितना सॉफ्ट बना है। अब इस आटे को मैंने 1 घंटा पानी में भिगो के रख दिया था। 1 घंटे बाद मैं इस आटे को पानी से निकाल लूँगी और इसे अच्छी तरह प्रेस कर करके बाकी का एक्स्ट्रा पानी भी निकाल लूँगी। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। आटे को अच्छी तरह निथार लेंगे और एक बोल में ले लेंगे और 1-2 मिनट हमें इसे और गूंदना है। आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट डो बना है। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और अब ये आटा बिल्कुल रेडी है पूरन पोली बनाने के लिए। चले तो अब इसे स्टार्ट करते हैं पूरन पोली बनाना। तो सबसे पहले हम आटे के पेड़े बना लेंगे। आप पेड़े की साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आटा कितना सॉफ्ट है, एकदम मुलायम। जितना आटा सॉफ्ट रहेगा आपकी पूरन पोली उतनी मुलायम बनेगी। अब हम दाल और गुड़ का जो मिश्रण है ना, उसके भी गोले बना लेंगे। यहाँ ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जो लोई आपने आटे की बनाई है वो इससे थोड़ी छोटी साइज हो, मतलब जो मीठा मिश्रण है उसका साइज बड़ा होना चाहिए और आटे की लोई का साइज छोटा होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इस दाल के स्टफिंग को इस आटे के लोई में फिट कर देंगे, यानी कि भर देंगे कुछ इस तरह से। आपको ये स्टफिंग एकदम अच्छे से भरनी है ताकि लोई बेलते वक्त इसमें से मिश्रण बाहर ना आ जाए। लीजिए फ्रेंड्स, एक गोला तैयार है। चलो तो इन्हें से बेल लेते हैं। बेलने के लिए मैं यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि एकदम हल्का होता है और इस पर स्टिक नहीं होगा। अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। पहले मैं इसे साइड से बेल लेती हूँ और आप देख सकते हो कि चावल का आटा लगाने से एकदम ये अच्छी तरह बेला जा रहा है, ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर की जो फिलिंग है वो किनारे तक फैल गई है। चलो तो अब हम इसे सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए मैं यहाँ पे लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे अलट पलट कर सेकेंगे। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई होनी चाहिए और जैसे ही ये सेक जाए हम इस पर लगा लेंगे अच्छी तरह से घी। जी हाँ, घी। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन घी से जो स्वाद आता है ना फ्रेंड्स, यकीन माने इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घी का ही इस्तेमाल करें। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी फूली फूली स्वादिष्ट पूरन पोली बनके तैयार है। चले तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरन पूरी कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं अपने हाथों से इसे फोल्ड करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, एकदम सुपर सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए। देखने से ही लग रही है ना कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। चलिए तो आगे की रेसिपी तरफ बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं पूरन पोली के साथ में सर्व की जाने वाली तीखी कटाची आमटी। तो इसके लिए मैंने एक पैन में तेल लिया है। अब इस तेल में डालेंगे हम एक मिक्सचर। मिक्सचर में मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा सूखा नारियल, 4-5 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा जीरा, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे, इतना कि ये थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए। अभी आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इस स्टेज में मैं डालूँगी हींग और थोड़े से कड़ी पत्ते। अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको।
एक दो मिनट चलाने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला, जो कि हमने रोस्टेड ऑनियन से बनाया था ना, वो वाला मसाला। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे, यहाँ तक कि इस मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो अब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दाल से निथारा हुआ पानी, पूरा डाल देंगे। डालेंगे स्वादानुसार नमक, ऐड करेंगे करी पत्ता और ढक के इसे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि ये हमारी अमटी पकी है या नहीं। जी हाँ, ये एकदम रेडी है। आप देख सकते हो कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें धनिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे दाल और गुड़ का मीठा मिश्रण, एकदम थोड़ा सा ऐड करना है, इससे अमटी का फ्लेवर एकदम और उभर के आता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अमटी बनके बिल्कुल तैयार है। चले तो हम लगाते हैं पूरन पोली की थाली। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी थाली लग के बिल्कुल तैयार है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरन पोली, कटाची आमटी, जैगरी का सिरप, उसके साथ में मैंने परोसा है एक नींबू, थोड़ा सा वाइट राइस और इसके साथ में पापड़। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, ये जो हम लोग ने जैगरी का सिरप बनाया था ना, उसको आप सर्व करते टाइम में उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और थोड़ा सा घी डाल दें। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।